स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं PMSSS प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम 2019-2020 के बारे में। और मैंने पिछले वाले वीडियो में ये बताया था कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या होगी अगर हम ये फॉर्म भरना चाहते हैं, ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए। और उसके अलावा मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट्स आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है और आप फैकल्टी सेंटर्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस किए थे इसके बारे में। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पर क्लिक कीजिए, आप खुद ब खुद वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वाले वीडियो में आपको चॉइस फिलिंग कैसी करनी है और आपको काउंसलिंग में कैसे अटेंड होना है और आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे। इससे पहले मैं ये शुरू करूं, ये वाला वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी एक ये चैनल जेके एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हम सारे एग्ज़ाम्स के रिलेटेड आपको फैक्ट्स बताते हैं, आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताते हैं, आपको कुछ टॉपिक सिखाते भी हैं। उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम सारे टॉपिक्स क्लियर कर दें। ये नई चैनल है, बहुत ही नई चैनल है, इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जेके एग्ज़ाम्स के नाम से YouTube पे है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इस एग्ज़ाम से। हम इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम, हर कोई एग्ज़ाम जो कि जम्मू कश्मीर में होता है और आउटसाइड इंडिया में जो होता है, हम सारे एग्ज़ाम्स पे बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे जेके PMSSS आफ्टर कंप्लीटिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप फैकल्टी सेंटर्स पे जाओगे जहाँ पर आपने अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर की है, मतलब सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद होता क्या है, उसके बाद एक ज़रूरी चीज़ जो करना है आपके लिए, आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, आपको पहले सबसे पहले आपको अपना मेरिट लिस्ट देखना है। AICT अपने वेबसाइट अपने पोर्टल पर अपलोड करेगी एक मेरिट लिस्ट, आपको वो डाउनलोड करना है। आपके मार्क्स के हिसाब से जो कि आपने 12th में या डिप्लोमा में लाए हुए हो, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट में रैंक मिलेगी। वो रैंक आपको चेक करनी है कि आपको क्या रैंक मिली है, उसी के हिसाब से आगे आपको प्रोसेस करना है। अगर आपने आपकी रैंक 1 से 250 तक है, 1 to 250 है, और आप साइंस स्टूडेंट हो यानी कि आपने मेडिकल पढ़ा है, तो आप MBBS BDS के लिए 100% एलिजिबल हो। 100% चांसेस है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी MBBS के लिए BDS के लिए। वो कितना मिलेगा आपको, वो आपको 20 लाख तक मिलेगा। इसके अलावा जितना भी मतलब कॉलेज का फीस होगा वो आपको अपने जेब से फिल करना है। मैंने वो पहले वाले वीडियो में भी बताया है, इस बार भी बता रहा हूँ कि वो कैसे मतलब फंड्स डिसबर्स होते हैं। अब अगर आपकी रैंक जो अगर आप मानते हो कि आपकी रैंक 250 से 500 तक है, 250 to 500 है, तो उसके लिए आपको क्या होगा, आप 50% एलिजिबल, आप तो 100% एलिजिबल हो बट 50% चांसेस रहेंगे आपको MBBS और BDS की सीट मिलने के लिए उसके लिए। और अगर आपकी रैंक 500 से 1000 तक है, 500 से 1000 तक है, तो आपको 20% चांसेस है कि आपको MBBS BDS के लिए सीट मिल सकती है, क्योंकि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स पहले ही ऑप्ट करते हैं MBBS BDS, क्योंकि हर कोई NET एग्ज़ाम से क्वालिफाई नहीं होता है, मतलब NET एग्ज़ाम से उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, उसको अपने पैसों से बाहर किसी भी कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में करना पड़ता है, तो उसके लिए फंड्स बहुत चाहिए थे। वो स्कॉलरशिप ऑप्ट करता है जिसकी रैंक 500 तक होगी, वो कर सकता है। अब बात करते हैं अगर आपकी रैंक 1 से 3500 तक है, 1 to 3500 तक अगर आपकी रैंक है, तो आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, आप स्कॉलरशिप का लाभ कैसे उठा सकते हो। आप मेडिकल के जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज दूसरे आते हैं, जैसे BSc नर्सिंग हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, OT ऑपरेशन थिएटर ट्रेनर हो गया, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया, लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज होते हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़, इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हो, BTech अगर आप करना चाहते हो स्कॉलरशिप के पैसों से, तो अगर आपकी रैंक 1 से 3500 है, तो आप 100% एलिजिबल हो इन चीज़ों के लिए, आप ये कभी भी कर सकते हो। अब बात करते हैं
अगर आपकी रैंक 3500 से 4500 तक है, अगर आपकी रैंक 3000 से 3500 से 4500 तक है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इंजीनियरिंग की सीट ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। 4800 तक किसी किसी को चांसेस, मतलब बाई चांस बन जाते हैं। कभी अगर कोई बच्चा नहीं जाता है, कॉलेज नहीं जाता है, तो उसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में काउंसलिंग होती है और उसको इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है। अगर आपकी रैंक उससे ज़्यादा है, तो आप इंजीनियरिंग के लिए सोचो ही मत, आप जनरल कोर्स ऑप्ट करो, तब जाके आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकता है। उसके लिए आपको कॉमर्स में कोई सा भी मतलब फील्ड लेना है, या साइंस का कोई सा भी जनरल कोर्स, या आर्ट्स का कोई सा भी जनरल कोर्स ले सकते हो। इसके अलावा होम साइंस और मास कम्युनिकेशन के लिए भी है, वो आप डिटेल्स चेक कर सकते हो कि जनरल में कौन कौन से कोर्सेज उन्होंने रखे। 4800 तक आप जनरल कोर्स के लिए फुली एलिजिबल हो, कोई मतलब इसमें शक नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, 100% मिल जाएगी अगर आप जनरल कोर्सेज करते हो, अगर आपकी रैंक 3500 से 4500 तक है। अब बात करेंगे कॉलेज सिलेक्शन। अगर उसके अलावा आपको रैंक है, तो कोई भी मतलब स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल सकती है, खामखा आपको दूसरे लोग परेशान करेंगे। आप किसी और फील्ड में ट्राई कीजिए, जहां पर आपकी मतलब एलिजिबिलिटी ज़्यादा बनती है। मैं आपको क्लियर बात बताऊंगा, सही बात बताऊंगा, जो कल जाके ट्रू होने वाली है। 5000 तक जिनकी रैंक है, वो समझ लेना उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। 5000 के बाद जिनकी रैंक है, वो समझ लेना उनकी स्कॉलरशिप वाइटल है, नहीं मिलने वाली है। अब बात करेंगे कि कॉलेज सिलेक्शन आपको कैसी करनी पड़ेगी। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, और चॉइस फिलिंग ये सबसे ज़रूरी चीज़ है एक बच्चे के लिए, जो भी बाहर पढ़ना चाहता है, कश्मीर के बाहर, जम्मू कश्मीर के बाहर पढ़ना चाहता है, उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर मैं अलग सा भी एक वीडियो डालने वाला हूँ, आप वो भी देख लीजिए। और मैं आपको यहाँ पर ये बात ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ एंड तक देखिए, ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। नहीं तो अगर आपको लीव करना है, तो अभी लीव कीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप मतलब इस वक्त तक आधे से वीडियो छोड़ दोगे। वीडियो देखना है तो पूरा एंड तक देखिए। अब चॉइस फिलिंग के लिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहले आपको चॉइस फिलिंग में जो भी कॉलेज आप सिलेक्ट करने जा रहे हो, जो भी, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, पहले प्रायोरिटी पे तो आप गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस सिलेक्ट करना है। बट कौन से गवर्नमेंट कॉलेज, इसलिए मैंने ये स्टेप लास्ट में रखा है कि गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट करना है। मैंने उससे पहले कुछ क्राइटेरिया है जो आपको ज़रूरी जानने हैं। आपको कॉलेज हमेशा और हमेशा नॉर्थ इंडिया में ही सिलेक्ट करना है। साउथ इंडिया में भाषा दूसरी होती है, तमिल तेलुगु बोलते हैं, और दूसरी भाषा ये बोलती है जो एक बच्चे को समझ नहीं आता है। अगर वो वहाँ जाता भी है, उसको एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती है, उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है, वो कुछ नहीं पढ़ता है, वो 4 महीने 5 महीने देने के बाद अपना साल ज़ाया करता है, वापस घर आ जाता है। इसलिए आपको कॉलेज जो सिलेक्ट करना है, नॉर्थ इंडिया में करना है, और किन स्टेटों में करना है वो भी मैं बता दूंगा। चूज द कॉलेज इन विच ऑलरेडी कश्मीरी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। आपको वो कॉलेज सिलेक्ट करना है जहां पर ऑलरेडी कश्मीरी स्टूडेंट होंगे। खामखा उस कॉलेज में नहीं जाना है जहां पर एनवायरनमेंट का पता नहीं होगा, जहां पर मतलब रिलेशंस विद कश्मीरी स्टूडेंट्स, रिलेशन विद जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स पता ना हो, वहां पर कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। आप उसमें जाओ जहां पर ऑलरेडी बच्चे पढ़े हुए हैं, ताकि वो आपको आगे जाके हेल्प भी करेंगे एज ए सीनियर्स बन के वहां पर, और वो आपके बहुत ज़्यादा काम भी आते हैं सीनियर्स। अब तीसरा है, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब गूगल करो अबाउट द कॉलेज प्लेसमेंट। एक कॉलेज प्लेसमेंट कैसे देता है, कितनी है उसकी प्लेसमेंट अमाउंट, कितनी है, ये आप गूगल कर लो। अगर किसी कॉलेज की प्लेसमेंट जो होगी 6 लाख से ज़्यादा ज़्यादा होती है, लगभग लगभग उसकी प्लेसमेंट रेशियो होनी चाहिए 30-35%, वो कॉलेज आप सिलेक्ट कर लेना। गूगल कर लीजिए अपने कॉलेज जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो, नहीं तो अपने आप देखोगे कि चंडीगढ़, पंजाब वगैरह में ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो कि वर्स्ट से वर्स्ट कॉलेजेस हैं, जिनमें क्या होता है, बच्चे जाते हैं बीटेक करने के बाद, 4 साल देने के बाद, ना उनको कोई, हमारे कश्मीर में बहुत अच्छा टैलेंट है, जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा टैलेंट है, अच्छे बच्चे यहाँ से जाते हैं, वहाँ पर उनको ख़राब किया जाता है और उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो बीटेक की डिग्री या वो कोई भी जनरल कोर्स करेंगे, वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसके बाद उनको घर में वापस आने के बाद वही काम, दुकानदारी, वही बिजनेस, खुद कुछ ना कुछ करना होता है।
उसको कोई फायदा नहीं मिलता है वहां से। अब बात करेंगे दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एक कॉलेज के बारे में, वो कॉलेज एस्टेब्लिश होना चाहिए जो मतलब 2006 से पहले पहले कॉलेजेस बने हुए हो और AICT ने उनको 2006 से पहले एक्सेप्ट किया हो, वो कॉलेजेस आप सिलेक्ट करो। नहीं तो यहाँ से आप जाते हो किसी भी कॉलेज में, आप एडमिशन लेते हो, 4 महीने 5 महीने हो जाते हैं, आपका कॉलेज मान लो ए यूनिवर्सिटी से होता है एफिलेटेड, तो 4 महीने 5 महीने होने के बाद आपके साथ क्या होता है कि कॉलेज की एफिलेशन ही दूसरी किसी यूनिवर्सिटी के साथ बदल जाती है, वो सब कुछ फ्रॉड होता है, वहाँ से डिग्री करने का कोई फायदा नहीं है। आप अगर जाओगे भी 1 साल 1.5 साल के बाद वो छोड़ दोगे, इसलिए पहले से सोच समझ के जाओ, उस कॉलेज में जाओ जहाँ आपको फायदा मिलेगा। अब तीसरा चीज, कॉलेज मस्ट बी AICT अप्रूव्ड। जो AICT अपने पोर्टल पे कॉलेजों का लिस्ट देता है जिनमें से आपको सिलेक्ट करने होते हैं कॉलेजेस, अगर आप खामखा ऐसा ही कोई कॉलेज पिक करोगे जो AICT के कॉलेज के अंडर, जो उसके रिकमेंडेड कॉलेज है उनके अंडर ना हो, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, खामखा वहां जाओगे पछताना पड़ेगा और कोई लास्ट में बेनिफिट नहीं होगा। और तीसरी और चौथी बात जो जरूरी है, आपको कंसल्टेंट्स बोलेंगे कि आप इस कॉलेज में आओ हम आपको स्कॉलरशिप दिलाएंगे, आपको NGOs बोलेंगे कि आप ऐसा करो ऐसा करो, हम आपको PMSS SSS दिलाएंगे, ये सब कुछ फेक है। जब तक आप काउंसलिंग नहीं करोगे AICT की तरफ से, आप अलॉटमेंट लेटर नहीं लोगे, आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है, आपको अपनी जेब से पढ़ने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, ये सब कुछ फेक होता है। ये खाली कश्मीरी लड़कों को बेवकूफ़ बनाने की एजेंसीज होती है। डोंट फॉलो द कंसल्टेंट्स एंड NGOs अबाउट दिस PMSS। ये AICT के पोर्टल पे पहली दो तीन जो आपको रूल्स दिए हुए हैं वहां पर भी ये रूल दिए गए हैं, आप इनको ये कीजिए। पिक द फाइनल कॉलेज इन कश्मीरी फ्रेंडली रिलेशन विद, वो कॉलेज आप चूज करो जहाँ पर ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हो, और उन बच्चों के साथ को आप पूछ लो अपने नेबर्स, अगर नहीं भी जानते हो गूगल कर लो, फेसबुक से निकालो उनके नंबर निकालो, उनके साथ फेसबुक से जुड़ लो, वहाँ के बच्चे देख लो उनका प्यार, किसी कॉलेज का फेसबुक पेज होता है उस पर कश्मीरी स्टूडेंट कौन है किसने लाइक किया है, उसको पूछो कि क्या है क्या नहीं है। अगर आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट होती है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे, वहाँ पर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो कि मतलब हम क्या करेंगे इसके बारे में, हम कैसे मतलब क्या करेंगे, कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज नहीं अच्छा है, आप ये सारी चीज़ें कॉलेज रिलेटेड मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड करूंगा लगभग लगभग नॉर्थ इंडिया के हर किसी कॉलेज के बारे में, बिकॉज आई हैव गॉट द नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी कॉलेज टू द कीन ऑफ माई बेस्ट अबाउट प्रोस्पेक्टिव एंड प्रोसेस इन द कॉलेजेस हैपनिंग इन नॉर्थ इंडिया। तो अब मैं बात करूंगा कि आपको कौन कौन से स्टेटस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कॉलेज सिलेक्शन के लिए। आप पहले नंबर पे अगर सिलेक्शन करनी है तो पंजाब कर लो, हरियाणा कर लो, दिल्ली कर लो, चंडीगढ़ कर लो, यूपी कर लो, और इसके अलावा सम कॉलेजेस ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि रिसेंटली उत्तराखंड में एक ऐसी उन्होंने वहाँ पर अनटूवर्ड बिहेवियर शो किया कश्मीरी स्टूडेंट्स को, उनको निकलना पड़ा फिर आना पड़ा, इसलिए देख के जहाँ पर आपको कश्मीरी स्टूडेंट्स रिकमेंड करेंगे जो एक्स स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पर या जो अभी भी वहाँ पर पढ़ रहे हैं वहां पर जाओ अगर आपको उत्तराखंड पसंद है। अगर आपको राजस्थान के भी कुछ कॉलेजेस जो जयपुर साइड में लाई करते हैं वो कॉलेजेस भी अगर आपको पसंद है तो आप एक्स स्टूडेंट से पूछ के कंसल्ट होने के बाद ही वो कॉलेज सिलेक्ट करना, या अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए कॉलेज के बारे में या वहाँ के स्टूडेंट्स कौन कौन है उनकी लिंक वगैरह, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब फाइनल काउंसलिंग, जब आपको रैंक मेरिट लिस्ट देखोगे तो AICT के पोर्टल पे एक वो आ जाएगा, एक ये और न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा, एक नोटिस आ जाएगी कि रैंक 1 से लेकर रैंक X तक आपको इस दिन आना है ये काउंसलिंग के लिए। इसी तरीके से काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जैसे कश्मीर प्रोविंस के लिए काउंसलिंग सेंटर एक ही होता है, वो होता है अमर सिंह टेक्निकल कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में, और इसी तरीके से जम्मू में भी एक काउंसलिंग सेंटर होता है, वहां पर जाके आप पता कर लो कि कहां पर है काउंसलिंग, न्यूज़पेपर में भी आ जाएगी, आप वहां से देख सकते हो कि आपकी काउंसलिंग डेट क्या है। जब आपकी डेट और रैंक मतलब आपको पता चलेगा कि आपको किस दिन काउंसलिंग है, तो उस दिन आप काउंसलिंग सेंटर पे चले जाइए, वहां पर आपको फाइनल कॉलेज पिक करना है। जैसे कि आपने चॉइस फिलिंग की हुई होगी, पहले ही पोर्टल पे की हुई होगी, आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं कि जब आप अप्लाई करोगे उस वक्त आपको एक ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा, या यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा,
वो यूज़र आईडी और पासवर्ड को आपको इतना क्लियर करना है, इतना क्लियर करना है कि आपकी स्कॉलरशिप टोटली टोटली उसी पे बेस्ड है। वो आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं आगे भी बताऊंगा अभी कि वो क्यों ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है कि आपको मतलब कॉलेज अलाटमेंट वहाँ पर मिल जाएगी, फाइनल कॉलेज आपका, मतलब आपने 10 कॉलेजेस चूज़ किए हैं, जब आप स्कॉलरशिप के लिए काउंसलिंग के लिए जाओगे वहाँ पर आपको बोलेंगे कि आपने ये कॉलेजेस फिल किए हैं, आपने रैंक वाइज करना है, मतलब बेस्ट द फर्स्ट जो बेस्ट होगा वो पहले डालना है। इसी तरीके से जब अगर आपका कॉलेज ए मान लो वो वहाँ पर सीटें खत्म हो गई हो, अब वहाँ पर कोई सीट नहीं है क्योंकि हर किसी कॉलेज में टोटल एक ब्रांच में 2 ही सीटें जा सकती है। अगर किसी कॉलेज में मान लो 3 ब्रांच है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है और एक है, तो वहाँ पर टोटल 6 ही बच्चे जा सकते हैं, सिविल से 2, मैकेनिकल से 2 और दूसरे इलेक्ट्रॉनिकल से 2। इसी तरीके से जिस कॉलेज में जितने ज़्यादा ब्रांच है उस कॉलेज में उतने ज़्यादा स्टूडेंट जा सकते हैं, टोटल एक ब्रांच से 2 बच्चे जा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी सीट नहीं मिलनी है किसी को भी। और एनजीओस क्या करते हैं, कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, एक ही कॉलेज में 10-10 बच्चों को भेजते हैं एक ही ब्रांच में, जबकि फिर किसी भी बच्चे की स्कॉलरशिप नहीं आनी है। मैं आपको इस बात का प्रूफ भी दूंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस ऐसा करते हैं, अब कश्मीरी लड़कों के साथ धोखा करते हैं, उनमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लीगली जाइए और लीगली आपको बेनिफिट होगा। जब आपको कॉलेज की अलॉटमेंट मिल जाएगी काउंसलिंग सेंटर पे, फिर करना क्या है, आपको ज्वाइन करना है कॉलेज एज सून एज पॉसिबल, यू विल बी काउंसलर्ड फ्रॉम द काउंसलिंग सेंटर। जब आपको काउंसलिंग सेंटर पे लेटर दी जाएगी, आपको एक डेट दिया जाएगा, मतलब मान लो 10 तक आपको ज्वाइन करना है, 10 अगस्त तक आपको ज्वाइन करना है, तो आपको एज सून एज यू ही आपको लेटर मिलेगी, 1-2 दिन घर में रुक जाओ, उसके बाद कॉलेज के लिए निकल जाओ, कॉलेज में एडमिट होने के लिए। वहाँ पर आप जब कॉलेज पहुँचोगे, वहाँ पर कॉलेज एकेडमिक ब्रांच से आप ये पूछ लेना कि हमारे लिए एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट बना दो। जब आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट कॉलेज से मिल जाएगा, एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाएगा वहाँ पर, तो वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट आप उसी ईमेल आईडी और उसी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना AICT पोर्टल पे। वहाँ पर 2 लॉगिन होते हैं, एक तो इंस्टीट्यूशनल लॉगिन होता है, एक स्टूडेंट लॉगिन होता है। आप स्टूडेंट लॉगिन में कीजिए, वहाँ पर अपना ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड कीजिए, बैंक पासबुक अपलोड कीजिए, अपना आधार कार्ड अपलोड कीजिए, अपना जो भी आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वो मांगेगा वो अपलोड कीजिए, और अपने इंस्टीट्यूशन को कहिए कि वो आपके ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिपोर्ट भी अपलोड करेंगे। और उम्मीद है कि मतलब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। जब आपका कॉलेज भी आपके सारे डिटेल्स अपलोड कर देगा, फिर उसके बाद कुछ टाइम हो जाएगा, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उसके बाद AICT सब चीज़ों को वेरीफाई करेगी, वो तो पहले से ही वेरीफाइड है 2-3 चीज़ों से, तो अब फिर से AICT के जो वहाँ पर JK स्टूडेंट सेल है वहाँ पर वेरिफिकेशन फिर से होती है, उसके बाद अप्रूव्ड आ जाएगा आपके उसमें पोर्टल में, कभी कभी आप चेक करोगे वहाँ पर अप्रूव्ड आ जाएगा स्कॉलरशिप अप्रूव्ड, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, और इसी तरीके से कॉलेज को अपना फीस जो भी वो मांगते हैं वो उनके अकाउंट में आ जाएगा। आपको कितना मिलेगा पर सेमिस्टर, आपको 50,000 मिलेगा। आफ्टर दैट जब आपके फंड्स डिसबर्स हो जाएंगे, तो आपको अपने अकाउंट में मिसलिनियस एक्सपेंडिचर के लिए हर सेमिस्टर में 50,000 आ जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ JK एग्ज़ाम्स की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हर सेमिस्टर के बाद, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको हर सेमिस्टर के बाद अपना मार्क्स डिटेल्स, जो भी आपका रिजल्ट आता है वो आपको AICT के पोर्टल पे अपलोड करवाना है। किससे करवाना है, कॉलेज से करवाना है, कॉलेज की सील उस पर होनी चाहिए, वो आपको हर सेमिस्टर में अपलोड करवाना है, उसके बाद ही आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे रेस्पेक्टिवली आफ्टर 6 मंथ्स आते ही रहेंगे, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स मिल गई होंगी, और भी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो। बेस्ट रहेगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही पूछो, मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिनसे आप करना चाहते हो, जो इसके लिए डिज़र्विंग है उनसे शेयर कीजिए, नहीं तो इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा भी वही लोग उठाते हैं जो मतलब जिनके लिए ये होती नहीं है, गरीब लोग वहीं पर मर जाते हैं जहाँ पर मतलब वो रहते हैं, उनको कोई फ़ायदा ही नहीं होता क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, उनके साथ शेयर करो जो डिज़र्विंग है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैनल अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जेके एग्जाम्स एंड थैंक यू।